नमस्कार साथियों स्वागत है आपका प्रताप क्लास में दोस्तों आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं पशु परिचर के लिए मैथ का सेकंड वीडियो है आज का और फर्स्ट वीडियो अपने कर लिया था में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आने थे चलिए आज अपने करते हैं सेकेंड वीडियो इसके अंदर लघुतम समान प्रति मैतम समाप्रति है औस्त के प्रश्न है कुछ और अनुपात समानुपात है और लाभ हानि के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न और बनते हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट तो करते हैं की पहला है अलश्यम। अलश्यम क्या होता है और लघु है? अल्शियम का फुल फॉर्म क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है यानी कि छोटी से छोटी वह संख्या निकल के आती है जो दिए गए समय में प्रत्येक संख्या से विभाजित होगी यानी कि इस प्रकार की संख्या निकल के आएगी जो बारह पंद्रह अठारह बीस से विभाजित हो जाएगी ये तो होता है अलशम होता है और अक्ष्यप क्या होता है अक्ष्यप ज्ञाप करते हैं तो एक बड़ी से बड़ी संख्या आती है वो क्या करती है प्रत्येक जो स्व में संख्या दे रखी है उसको विभाजित करती है देखना इस प्रकार इसको करते हैं अपने अलशम याद करते हैं इस प्रकार इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है ठीक है सरल से हार्ड की ओर करेंगे अपने छोटे छोटे प्रश्न उसके बाद थोड़े थोड़े हार्ड आ जाएंगे देखो इसकी करने की दो विधि होती है एक भाग विधि होती है और एक फ्लाइट विधि बोलते हैं देखो इसमें डिवीजन विधि है ये भाग विधि से करेंगे यहाँ से अपने क्या करते हैं छठी सातवीं करते आए हैं छोटी से छोटी संख्या लेते हैं इससे डिवीजन करते जाती है दो से तीन से चार से पाँच से इस प्रकार करते जाते हैं देखो इसमें पहले अगर दो से करें तो कितना आएगा छः आएगा पंद्रह में भाग नहीं जा रहा था ऐसे लिख दिया अठारह में जा रहा है तो नौ लिख दिया दस में बीस में जा रहा था तो दस लिख दिया फिर दो में जा रहा है तीन तक जाएगा दो तीन छः फिर पंद्रह में नहीं जा रहा छोड़ दो नौ में नहीं जा रहा छोड़ दो पाँच दस में जा रहा है दो पाँच दस यानी कि इसमें भाग दे रहे हैं यहाँ से फिर दो में भाग दो का भाग किसी भी संख्या नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो आगे कौन सी संख्या आ रही है तीन आ रही है तो तीन लिख देते हैं तीन का हम तीन तीन पाँच पंद्रह इनकिया नौ और पाँच हो गया फिर तीन का जा रहा है जहाँ तक भाग जाता जाएगा अपने क्या करेंगे करते जाएंगे फिर पाँच का जाएगा तो इस प्रकार ये हो गया एक लास्ट में ज्ञान एक एक आना चाहिए ठीक है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा आपका अल्शियम आ जाएगा देखो इसमें दो दुड़ी चार चार ते बारह बारह छत्तीस छत्तीस पाँच कितने होते हैं एक सौ ठीक है एक सौ अस्सी क्या आ गया इसका अल्शियम आ गया ठीक है ये है एक नॉर्मल सवाल है जो अपने आपने को आना चाहिए देखो इसमें नेक्स्ट है से याद करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका मतलब ठीक है बत्तीस तीस चौबीस इसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे वो क्या करेगी संख्या बत्तीस को तीस को और चौरासी को क्या करेगी विभाजित कर देगी देखो इसमें इस प्रकार करेंगे इसको करने के लिए अलग अलग डिवीजन से करेंगे अलग अलग बत्तीस के अंदर बत्तीस का अलग करेंगे तीस का अलग करेंगे और चौरासी का अलग करेंगे ठीक है फिर इन अंदर जो कॉमन होगा उनको अलग अलग कर लेंगे इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा देखो इसमें दो का दिया सोलह फिर दो का दिया आठ है फिर दो का दिया चार है फिर दो का भाग गया दो और दो एक जब तक करेंगे जब तक क्या हो जाए अंत में एक ना प्राप्त हो जाए इस प्रकार दो है पंद्रह दो का नहीं जा रहा तीन का जा रहा है पांच है पाँच के अंदर देखो तीन का किस किस का जा रहा है पाँच का जाएगा दो के अंदर किसका जाएगा चौरासी के अंदर दो का जाएगा बयालीस आ जाएंगे फिर दो का जाएगा इक्कीस आ जाएगा फिर तीन का जाएगा सात आ जा जाएगा फिर सात, सात का जा, जा रहा है इस प्रकार अपने क्या करेंगे अलग अलग इसके फैक्टर बना लेंगे ठीक है इनको अपन इस प्रकार लिख लेंगे ले देखो बत्तीस के कितने आ रहे हैं दो इंटू दो इंटू दो, उन्टु दो। तो, दो दो दून चार चार आठ, सोलह सोलह दुनिया बत्तीस इसके आगे तीस के कितने आगे तीस के आ जाएगा आपके दो इंटू तीन इंटू पाँच। और इस प्रकार चौरासी के कितने आ जाएंगे चौरासी के आ जाएंगे दो इंटू दो इंटू तीन इंटू सात अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन संख्या एकदम इसपे कॉमन है उनको अलग छाट लेंगे तो अपना अक्ष्यअप आ जाएगा देखो इसमें इसमें दो है में दो है इसमें दो है तो एक दो लिख दिया अब देखो इसमें इसमें दो है इसमें नहीं है इसमें दो है पर इसमें नहीं है इस प्रकार दो दो आ रहे हैं परंतु तो इसमें है नहीं किसी में इसका मतलब यह हो गया इसके तीनों के अंदर समान रूप से जो कॉमन संख्या आ रही है वो दो अकेले ही आ रही है इसका मतलब ये हुआ इसका जो अक्ष हो गया दो हो गया अक्षिप कितना हो गया दो हो गया ठीक है इस प्रकार इनको अपन करेंगे नेक्स्ट देखो तो समाप्त जीरो पॉइंट आठ है जीरो पॉइंट नौ है जीरो पॉइंट ठीक है तीन छ है और का गुत्तम समाप्त ज्ञात करना है ये हो गया देखो एक इसमें आपको जाना होगा एलसीएम याद करना भिन्नों का भिन्न जो संख्या है भिन्न संख्या ठीक है भिन्न संख्या का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं याद रखना इस प्रकार आपको भिन्नों में दे सकता है अंश और हर में होगी तो अंश जो ज्या है अंशों का क्या करेंगे अंशों का अलशियम याद कर देंगे और हर है जितने भी हर दे रखे हरों का क्या कर देंगे कर देंगे, ठीक है यह क्या आ जाएगा भिन्न का अलशियम आ जाएगा इस प्रकार याद करेंगे तो अंश जो दे रखे आपके अंश का जितने भी अंश है उनका क्या कर देंगे अंशों का अच्ञात कर देंगे और जो हर आएंगे हरों का क्या कर देंगे एलसीएम याद कर देंगे क्या कर देंगे एलसीएम तो इस प्रकार जो भिन्न संख्या दे रखी है अपने पास भिन्नों का क्या करें क्या आ जाएगा एलसीएम और अत्स्य आ जाएगा देखो तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार करेंगे फिर इसको की बात करेंगे देखो इसमें इसमें एक संख्या लिख रहा हूं 4/5 8 बटा पंद्रह और दो बटा नौ ये लिख दिया अब इसको कह दिया कि एलसीएम याद करना है इसका क्या याद करना है अल्शियम याद करना है ये दे रखा है तो ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है उनका क्या कर देंगे एलसीएम याद कर देंगे और नीचे वाली संख्या दे रखी है उनका क्या कर देंगे अच्छे याद कर देंगे या कर दो यहाँ से चार आठ दो है इनका क्या कर दो अल्शियम याद कर दो कितना आएगा दो दो चार दो फिर भी दो पर जा रहा है दो दो दून चार एक दो ठीक है एक एक, एक। ये कितना है दो दून चार चार दून आठ इसका क्या आ जाएगा ये एल्शियम आ गया और पाँच पंद्रह और नौ का अच्छे अब याद करो अच्छे याद करो देखो यहाँ से खड़ रहा हूँ मैं इसके अलग अलग फैक्टर बना लो कितना हो गए पाँच का कितना होगा पाँच का देखो यहाँ पर एक संख्या कॉमन लो कॉमन नहीं आ रही संख्या ना ठीक है वैसे हो तो जाएगा और कॉमन ले लेते हैं समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर ले लिया तो मैं चार बटा छ ले लिया मैंने चलो ठीक है यहाँ पर अपने छ कर लेंगे इसका हो जाएगा दो इंटू तीन हो जाएगा और पंद्रह का हो जाएगा आपका तीन इंटू पाँच हो जाएगा और नौ का कितना हो जाएगा तीन इंटू तीन अब इसका अक्ष्यप याद करना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है कॉमन इसमें तीन इसमें या तीन इसमें या तीन इसमें इसका मतलब क्या हो गया इसका अक्ष्यप जो आया अक्ष्यप निकल के आया गया वो आया तीन है अल अलशम के पास निकल के आया वो आपके पास आ गया आठ आ गया आ गया इसका मतलब क्या है? इन संख्याओं का जो अल्शियम होगा वो कितना हो जाएगा से चार आठ दो काल्शियम और छह पंद्रह और नौ का क्या हो गया अच्छी हो गया तो अल्शियम कितना है अपने पास आठ है आठ बटा तीन तो इस प्रकार ये क्या हो गया भिन्नों का अलसम हो गया ठीक है बिनो का अलसम अपने इस प्रकार करेंगे दोनों याद रखना फॉर्मूले अलसम याद करना अंशों का कर दो हरों का अक्षेप कर दो अक्ष याद करना बिनों का अंशों का कर दो और हरों का अलसम कर दो ठीक है इस प्रकार का ये क्वेश्चन होगा देखो किस प्रकार करेंगे इनको देखो इसमें पॉइंट दे रखा यानी कि पॉइंट वाली संख्या दे रखे इनका किस प्रकार करेंगे सर्वप्रथम इनका जो पॉइंट दे रखा है वो हटा लेते हैं देखो पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा एक पॉइंट हटा नीचे क्या आ एक जाएगी एक शून्य आ जाएगी एक पॉइंट हटा शून्य और छ्या होगा जीरो पॉइंट छत्तीस से दो एक पॉइंट के बाद दो संख्या तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा ठीक है अब इनको क्या करें कि एक बराबर बना के चलेंगे इनको संख्या को ठीक है बाकी इस प्रकार भी हो सकता है वही हो जाएगा चलो आप इसी प्रकार कर लो यहाँ से यहाँ से कितना आ जाएगा अच्छे अल्स याद करना है आठ नौ और छत्तीस का क्या हो जाएगा एल्सियम हो जाएगा और दस दस और सौ का क्या हो जाएगा अच्छी हो गया ठीक है अच्छे हो गया आठ नौ और छत्तीस के मान लो देखो कितना आएगा आठ है नौ है छत्तीस का एल्शियम याद करते हैं तो कितना आता है फिर यहाँ से दो से देंगे चार आ जाएगा नौ आ जाएगा अठारह दोनों छत्तीस हो जाएगा फिर दो नौ अठारह फिर दो का जा रहा है दो नौ नौ एक ठीक है एक पर चला गया फिर सीधा नौ में चला जाएगा नौ एक नौ कितना हो जाएगा दो दोनों चार चार दोन आठ आठ नहीं बेहतर हो गए इनका एल्शियम अपने पास कितना आ गया बेहतर निकल के आ गया ठीक है आ गया बेहतर

यानी कि सात पॉइंट दो आ जाएगा अपने पास ठीक है सात पॉइंट दो क्या आ गया इसका लघुत्तम समाप्रति आ गया ठीक है इन इस प्रकार इन प्रश्नों को अपने करने वाले हैं चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट देखो एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है आपके जब दो संख्या दे रखी है तो किस प्रकार करेंगे पहली संख्या एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या इनटू में क्या होगा दूसरी संख्या क्या होती है दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इनटू एम होता है याद रखना यूनिवर्सल फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पर बहुत बार प्रश्न बनते हैं आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं जब दो संख्या दे रखी है पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो अल्शम इंटू अक्ष अल्शम जो दे रखा है और अक्ष्यप दे रखा है वो क्या हो जाएगा इन दोनों गुणों के संख्याओं के गुणों के बराबर हो जाएगा ठीक है दो संख्याओं का लघुत्तम समय पर अठारह सौ है और महत्म है छब्बीस है एक संख्या आपको दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो इसमें फिट कर दो बेस एक संख्या किसी को मानो पहली मानो या दूसरी मानो इस दूसरी संख्या को मैं एक्स मान लेता हूँ और अलचम आपको दे रखा छब्बीस है और अच्छे आप दे रखा आपको अठारह सौ बीस दे रखा है एक्स की वैल्यू याद करनी है एक सौ तीस को इधर लेके आऊँगा क्या हो जाएगा एक सौ तीस गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा एक सौ छब्बीस इंटू अठारह सौ बीस बटा एक सौ तीस हो जाएगा यहाँ से देखो कट रहा क्या जीरो सौ जीरो तेरह दूणा छब्बीस एक सौ बयासी को दो से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा दो दूनी चार आठ दूनी सोलह दो एक तीन तीन सौ चौंसठ आ गया तीन सौ चौंसठ ठीक है इस प्रकार आपके सवाल करने हैं ठीक है थीके? देखो नेक्स्ट देखो इसमें एक इस प्रकार का बनता है पंद्रह सोलह अठारह व पच्चीस से पूर्णतया विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें इसने ये, या, आ, ये भी नहीं कहा कि अलशम ज्ञात करना है ज्ञात करना है ये जिसको आएगा देखो एल्शियम और एचसीएफ की डेफिनेशन जो परिभाषा है वो पता है देखो इसमें दे पूर्णतः विभाजित हो रही है ठीक है इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है एलसीएम क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आती है एलसीएम के अंदर जो दिए गए समय में प्रत्येक संख्या से विभाजित होती है वो क्या होता है एलसीएम होता है और अक्ष्यप जब ज्ञात करते हैं तो अक्ष्यप किसको कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आएगी जो प्रत्येक संख्या को जो स्वयं दे रखी है उसको विभाजित करती है ठीक है अल्सम क्या होता है से विभाजित होती है और अक्षम क्या होता है को विभाजित करती है याद रखना इसमें इसका मतलब यह हो गया पंद्रह सोलह अठारह पच्चीस का अपने को क्या करना होगा अलसम याद करना होगा लघुत्तम समाप्र तक याद करना होगा देखो इसमें कर दो डायरेक्ट यहाँ से भाग विधि से पंद्रह है सोलह है अठारह है और पच्चीस है कर दो यहाँ से चलो देखो इसमें दो है दो का भाग पंद्रह हम नहीं जा रहा तो पंद्रह कम सीधा पंद्रह आ जाएगा सोलह हम जा रहे हैं दो का कहाँ तक जाएगा आठ आधा आधा कर देंगे नौ है पच्चीस से फिर दो का जा रहे दे दो दो का जा रहा है तो पंद्रह आठ दो का जा रहा है पंद्रह यहाँ से कितना आ जाएगा जा चार नौ पच्चीस आ जाएगा फिर दो का जा रहा है यहाँ से अगर दो का ना लिखे तो एक ही कॉमन बच रहा है चार का तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पर चार लिख सकता हूँ मैं यहाँ रखना ठीक है चार लिख दिया मैंने तो पंद्रह इसका एक हो जाएगा नौ और जाएगा अब देखो यहाँ से ओनली फॉर नौ है यहाँ पर नौ तीन पंद्रह भी है ठीक तीन का दे दो यहाँ से तीन पाँच पंद्रह एक तीन तीन नौ और पच्चीस आ जाएगा फिर तीन का जाएगा पाँच एक तीन पच्चीस जाएगा फिर पाँच का पाँच एक एक और एक आ जाएगा पाँच जाएगा पाँच 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 पच्चीस फिर पाँच का जाएगा अंत में एक एक, एक आ जाएगा ठीक है ये इनका क्या हो गया इनका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से कितना हो जाएगा दो दूनी चार 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 सोलह ठीक है और तीन तीन नौ और पाँच पाँच पच्चीस ये अपने पास हो गया चार दुनिया आठ आठ दो सोलह सोलह इंटू नौ इंटू अपने पास कितना हो गया पच्चीस हो गया अब करो कितना आएगा सोलह इंटू पच्चीस निमा दो सौ पच्चीस यहाँ से इसको कर दो सोलह को सोलह का भाग आ रहा है तो ठीक है अगर सोलह का भाग सो तो नहीं आया तो आप अपने इस इसको तोड़ लो यहाँ से तो तोड़ के कर लिया करो आप दो सौ पच्चीस है दो सौ प्लस मैं लिख दूँ बीस प्लस है पाँच लिख दूँ अब आसानी से हो जाएगा देखो इसका सोलह से गुणा करेंगे तो सोलह दुन दुना बत्तीस आ जाएगा इसको करेंगे सोलह दुणा बत्तीस इससे आएगा अस्सी आ जाएगा तो इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा जीरो दस छः तीन बत्तीस हो जाएगा ठीक है आ जाएगा छत्तीस आ जाएगा इस प्रकार अगर गुणा करना हो आपको तो सोलह का बारह नहीं आ रहा या बड़ी संख्या दे रखे तो जो बड़ी संख्या होती है उनको तोड़ लेते हैं अलग अलग भागों में ठीक है तोड़ के अलग अलग कर जैसे दो सौ लिख दिया बीस लिख दिया दस लिख, लिख दिया तो भाग देना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा ठीक है इस प्रकार अपने कर लेते हैं ठीक है समझ में आ गया देखो इसमें, इस प्रकार के से है ये पांच घड़ी देख के दो चार छह आठ एवं बारह मिनट के अंतराल पर बजती है यदि बारह बजे एक साथ बजती है तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेगी ये आपको याद करना है तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करन, याद करना होगा अल्सियम याद करना होगा जो संख्या दे रखी है देखो इसमें कौन क्या दे रखे दो चार छः आठ और बारह यहां से डायरेक्ट क्या याद कर दो मिनट में टाइम दे रखा है अल्सियम याद कर दो यहाँ से ठीक है दो दो दूनी चार छः चार दूनी आठ छः दूनी बारह फिर दो में जा रहे एक दो एकम दो तीन फिर एक आ जाएगा दो, एक दो आ जाएगा फिर तीन आ जाएंगे दो का जा रहा है एक 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 तीन ठीक है तब तक करेंगे तब तक एक एक प्राप्त हो जाए देखो दो दून चार चार दून आठ आठ चौबीस चौबीस मिनट आ गए इसका मतलब ये हो गया चौबीस मिनट अपने पास आ गया इस चौबीस मिनट से देखो चौबीस मिनट जो आ रहा है चौबीस मिनट जो है दो चार छह आठ बारह से विभाजित तो हो रहा नहीं हो रहा ठीक है ये इसमें क्वेश्चन में, में कह रहा था तो कॉमन अपने को निकालना है तो यहाँ पर चौबीस मिनट आ गया इसका मतलब क्या है पहले बारह बजे वो घंटी एक साथ बजी थी पांच घड़ियों की अगली बार कितने बजे बजेगी बजे चौबीस मिनट बाद में इसका मतलब क्या हो गया बारह बज के चौबीस मिनट कौन सा है बारह बज के चौबीस मिनट पर बारह बज के चौबीस मिनट पर इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्न आरख दे आपको कोई भी अलग अलग भाषा में दे सकते हैं तो उनका आपको डायरेक्ट क्या करना है, में आ है।, में दे रखा होता है। और अंश में क्या दे रहा होता है मिनट में पूछ रहा होता है तो मिनट में ज्ञात करने के लिए यहाँ पर साठ से भाग लगाते हैं आगे क्वेश्चन आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा उसी ठीक है देखो इसमें इकाई बराबर होनी चाहिए देखो एक आदमी के पास नौ सौ पैंतालीस बकरियाँ हैं चौबीस सौ पचहत्तर घोड़े हैं उन्हें समूह में चराना चाहता है वह चाहता है कि प्रत्येक समूह में बराबर वह समान प्रकार के जानवर हो तो इस प्रकार उसे कम से कम कितने समूह बनाने पड़ेंगे आ अगर आप पशु परिचय लग रहे हो खुदा न खास्ता आपको कभी पशुओं को चराने के लिए दे दिया जाए कि पशु चुरा के लाओ और प्रत्येक समूह में समान होने चाहिए पछे समान होने चाहिए गाय माता समान होने चाहिए कांड है वो समान होने चाहिए इस प्रकार की कुछ संख्या दे दी आपको तो ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करेंगे देखो ठीक है दे सकता है आपको पशु चराने के लिए कहा जा सकता है पशु परिचिर में पता नहीं क्या करवाएंगे अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ पहले भर्ती भी नहीं आई है पहली बार भर्ती है पता नहीं डॉक्टर का सहायक होता है या गौशाला में रखेंगे आपको इससे कोई पता नहीं है चलिए अपने तो एग्जाम देना है और फाइट करना है ये टारगेट रखो करवाई कुछ भी नौकरी जो सरकारी नौकरी का धब्बा लगा हुआ है कि सरकारी नहीं लगा वो मतलब यहाँ पर वो संख्या वो से नौ सौ पैंतालीस है और चौबीस सौ पचहत्तर क्या हो तो जाए विभाजित हो जाए कॉमन संख्या लाने के लिए छोटी से छोटी एक बड़ी से बड़ी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या लेके आएंगे नौ सौ पैंतालीस को भी विभाजित कर दे और चौबीस को भी विभाजित कर दे तो इसमें क्या करना होगा अक्ष अच्छा ज्ञात करना होगा मेहतम समाप्र तक ज्ञात करना होगा ठीक है देखो इसमें नौ सौ पैंतालीस और चौबीस सौ दे रखा है कर दो यहाँ से अलग अलग करके देख लेते हैं विधि से इसको कर लेते हैं अपने नौ सौ पैंतालीस है का अलग फैक्टर मान ले लो नौ सौ पैंतालीस ठीक है अलग फैक्टर बना लो यहाँ से अपने क्या कर देंगे दो सौ का चलिए आप साथ साथ में चलो पाँच का भाग जाएगा क्योंकि पाँच दो का नहीं जाएगा तीन का नहीं जाएगा चार का नहीं जाएगा सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर पाँच का जा रहा है पाँच एकदम पाँच कितने बचे चार चौवालीस आठ पाँच चालीस नौ पाँच पैंतालीस फिर जा रहा है तीन का छह अठारह तीन तीय नौ फिर तीन का जा रहा है तीन दून सात तीन तीन, तीन एक ही सात क्या इसमें भी पांच का जा रहा है क्योंकि दो का नहीं जाएगा क्योंकि पांच अंत में तीन का भी नहीं जाएगा सात पांच बारह बारह चार सोलह सत अठारह तीन का जा सकता है अपने डायरेक्ट पांच का दे दे ठीक है तीन का जा सकते हैं किस संख्या में तीन का भाग जाएगा नौ का भाग जाएगा उनके अंकों को जोड़ के पता लगाते हैं जोड़ अगर तो नौ से विभाजित होगी जैसे देखो पांच सात चार इनको जोड़ो सात पांच बारह बारह चार सोलह दो अठारह अठारह में तीन का भाग जा रहा है नौ का भाग जा रहा है इससे तीन से विभाजित हो गई देखो यहाँ तीन से कर लेते हैं आठती है चौबीस फिर कितना आ रहा है तीन दुणी छः पाँच से पंद्रह अब देखो आठ पाँच तेरह तो पंद्रह फिर तीन का भाग जा रहा है तीन दूनी छः तो सात या इक्कीस पाँच से पंद्रह बारह तेरह चौदह अब नहीं जा रहा अब पाँच का भाग जाएगा यहाँ से और किसी से संख्या नहीं जाएगा पाँच पाँच पच्चीस पाँच पाँच पच्चीस फिर पाँच का जाएगा एक और फिर ये आ गया ठीक है अब देखो इनमें नौ सौ पैंतालीस क्या हो गए फैक्ट्री के पाँच इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन इंटू सात ठीक है इसके हो गए चौबीस तो सौ पचहत्तर कितने हो जाएंगे तीन इंटू तीन इंटू पाँच इंटू पाँच इंटू ग्यारह अब देखो पाँच इसमें हैं पाँच इसमें हैं एक पाँच इधर लिख दिया तीन इसमें हैं तीन इसमें एक तीन इधर लिख दिया इसमें तीन है इसमें तीन है एक तीन ये लिख दिया और कॉम नहीं आ रही तो इसका मतलब लिखिए पाँच से पंद्रह पंद्रह ती है पैंतालीस पैंतालीस क्या हो गया इसकी एक संख्या आ गई कि पैंतालीस पैंतालीस के समूह में अगर पशुओं को रखा जा सकता है एक बड़ी से बड़ी अपनी संख्या निकाली कि पशुओं को किस समूह में रखेंगे पैंतालीस पैंतालीस के समूह में रखेंगे परंतु अपने को याद क्या करना है कम से कम कितने समूह बनेंगे ये यह रखना यहाँ पर पैंतालीस तो आ रहा है आंसर मत ठोक देना की पैंतालीस याद कर दिया सही होगा ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ो जो तो क्वेश्चन दे रखा है उसको दो बार पढ़ो क्या पूछ रहा है कई बार क्या हुआ है आधा अधूरा करते हैं तो अपने को आंसर दिखने लग जाता है जैसे ये दिखाया इसका अच्छा याद किया यहाँ पर पैंतालीस आ रहा है इसका अपने डायरेक्ट दिमाग में जा रहा है कि आंसर तो आ गया ऐसा नहीं है परंतु तो पूछ क्या रहा है अगर ये पूछा होता कितने कितने के कि समूह बनाने पड़ेंगे ये कि पैंतालीस पैंतालीस समूह बनाने पड़ेंगे एक समूह में पैंतालीस कम से कम क्या होंगे पशु होंगे परंतु बराबर बराबर करने के लिए परंतु कितने समूह बनेंगे एक में पैंतालीस आ रहे हैं तो समूह कितने बनेंगे बकरियों की संख्या नौ सौ पैंतालीस में नौ सौ पैंतालीस में पैंतालीस का भाग देंगे और चौबीस सौ पचहत्तर में पैंतालीस का भाग देंगे तो अपने पास समूह आ जाएंगे देखो इसमें नौ सौ पैंतालीस है और चौबीस सौ पचहत्तर है देखो नौ सौ पैंतालीस के अंदर कितना पैंतालीस का भाग दे दो यहाँ से पैंतालीस से कम पैंतालीस 45, पैंतालीस 45 दोनवे पैंतालीस दोनवे कितना बच रहा है पैंतालीस से कम पैंतालीस इसका मतलब क्या जो बकरियां थी उनके इक्कीस सुन जाएंगे इक्कीस सुन जाएंगे प्रत्येक सु कितना हो जाएगा पैंतालीस जानवर हो जाएंगे ये है चौबीस सौ पचहत्तर है इसके अंदर पैंतालीस का भाग दे दीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा देखो चालीस का है ये जाएगा पाँच 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 पर चला जाएगा पाँच पाँच पच्चीस पाँच दो बाईस दो दो पाँच फिर पाँच पर चला जाएगा दो सौ पच्चीस जाएगा इसका मतलब ये हुआ, यह हुआ यहाँ पर पा... इसमें हो गए 55 हो गए 21 21 प्लस 55 यहाँ से जोड़ दो जो 76 टोटल कितने समूह बनेंगे 76 समूह बनेंगे 76 समूह में बनेंगे कितने प्रत्येक समूह में कितने-कितने होंगे 45 45 होंगे ठीक है इस प्रकार इस प्रश्न को अपने करेंगे ठीक है हाँ इसके कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा आंसर 76 आ जाएगा ठीक है देखो इसमें नेक्स्ट देखिए देखो एक ये आ गया प्रश्न देखो राहुल मोहन व पंकज एक स्टेडियम में एक निश्चित पॉइंट से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं एक चक्कर लगाने में राहुल दो सेकंड मोहन 308 सेकंड और वह वह पंकज एक सेकंड में पूरा करते हैं तो बताओ शुरू के पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे इसका क्या मतलब हुआ जैसे देखो ये चक्कर है स्टेडियम का यहां से तीनों ने जाके चक्कर लगाना प्रारंभ किया जब चक्कर लगाना प्रारंभ किया तब तो ये साथ में थे ठीक है तीनों तीनों फिर दौड़ना शुरू किया क्योंकि इस ये तीन बंदे हैं एक क्या कर दो सौ बावन सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है एक 308 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहा है एक एक सौ अठानवे कर रहा है स्वाभाविक सी बात है कि एक साथ तो नहीं दौड़ेंगे आगे पीछे होंगे परंतु तो इसने ये पूछ लिया कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा कितने टाइम बाद वो समय आएगा जब वो बराबर होंगे एक सीध में होंगे वो

क्या याद करेंगे अल्सियम याद कर लो देखो एक नए पेज पर करते हैं अपने यहाँ पर आएगा नहीं दो सौ बावन तीन सौ आठ एक सौ अठानवे याद रखना दो सौ बावन तीन सौ आठ एक सौ अठानवे दो सौ बावन तीन सौ आठ है ना दो सौ बावन तीन सौ आठ और एक सौ अठानवे इनका अलशियम याद कर दीजिए आएगा देखो इसमें दो ऊपर जाएगा दो एकम एक दो दो दूनी चार छह दूनी बार आधा आधा कर दो इसको इसका कितना जाएगा। 100 हो जाएगा एक सौ चौपन हो जाएगा एक कितना हो जाएगा निन्यानवे हो जाएगा नौ नौ अठारह नौ अठारह उन्नीस दो का कर दो यहाँ से एक का आधा कितना हो जाएगा पचास से तेरह कितना हो जाएगा त्रेष्ठ हो जाएंगे एक सौ का आधा कितना हो जाएगा सत्ताईस पचास कितना होगा सत्तर हो जाएंगे और निन्यानवे में भाग नहीं जा रहा है फिर यहाँ से तीन का भाग जा रहा है कितना हो जाएगा इक्कीस से हो गए ठीक है सात सात तीन तीन नौ तीन तीन नौ फिर तीन का भाग जा रहा है सात पर फिर सात और ग्यारह फिर यहाँ पर ग्यारह सात का भाग जा रहा है सात एकम सात ठीक है सात एकम सात सात एकम सात ग्यारह फिर ग्यारह का जा रहा है तो इस प्रकार अपने पास ये टाइम आ गया क्या टाइम आ गया दो तो दूनी चार चार तीन बारह बारह तिया छत्तीस और ग्यारह सात सतर छत्तीस इंटू कितना आ गया सतर आ गया अपने पास ये टाइम आएगा ये कितना सेकंड में टाइम है इस टाइम को अपने क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इस समय को साठ से क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं भाग लगाने पर क्या जाएगा? आ जाएगा अपने पास टाइम मिनट में आ जाएगी देखो जो संख्या कट रही है वहाँ काट देते हैं छः छः छत्तीस ये दस आ गया फिर कट जाएगी दो तीय छः और पाँच ये आ जाएगा आपके पास सात या इक्कीस सात इक्कीस बाईस तेईस बटा पाँच आएगा इतना मिनट होगा इस मिनट को हम सही टाइम दो इकतीस के अंदर पांच का भाग लगो आ, पांच, बीस। पांच ये प्राप्त हो गया पास एक बटा पांच मिनट आ गया एक बटा पांच देखो यह आंसर आ रहा है छानी सही एक बटा पांच मिनट देखो, देखो इसमें देखते हैं ना? सही एक बटा छालीस तो ठीक है छालीस चलो ये कट गया दोनों ही कट गए इसमें छालीस इसमें छालीस इसमें आगे पाँच सेकंड एक में पाँच सेकंड दे रखा है इसमें बारह सेकंड दे रखा है अब एक बट्टा पाँच मिनट को सेकंड में चेंज कर दो यहाँ से एक बटा पाँच को सेकंड में चेंज करने के लिए साठ से क्या करता हूँ गुरा करता हूँ कितना आ जाएगा बारह पाँच जो साठ बारह तो कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा छालीस मिनट और बारह सेकेंड हो जाएगा टाइम पूरा टाइम कितना हो जाएगा छालीस मिनट और बारह सेकेंड हो गए तो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ठीक है इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं एलसीएम के आधार पर दो प्रश्न हो गए घड़ी वाला भी है और यह भी है सेम आपको इस प्रकार करने क्वेश्चन देखो इसमें नेक्स्ट देखो अब देखो अनुपात और समानुपात के आधार पर प्रश्न आ गए ठीक है ये लघुतम तो और मैतम तो समाप्त अनुपात और समानुपात के आधार पर अगर प्रश्न बनते हैं तो किस प्रकार आएंगे देखो इसमें एक ए अनुपात बी दो अनुपात तीन दे रखा है और सी छह अनुपात रखा तो आपको याद करना है ए अनुपात बी अनुपात सी इस प्रकार के नॉर्मली प्रश्न आपको मन सकते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है देखो अनुपात जैसे मैं लिख रहा हूँ ए अनुपात बी जैसे इसको ले, ले। दो अनुपात तीन ये याद रखना इस प्रकार की भी प्रश्न बने अनुपात को उठाते हैं तो इसके साथ अपने पास एक चर संख्या लगानी होती है दो एक्स एक्स लगा दो तीन एक्स लगा दो हटाने के लिए ठीक है अनुपात का मतलब क्या होता है ए ए अनुपात बी का मतलब क्या है ए बटा बी है यहाँ पर इसको मैं दो बटा तीन भी लिख सकता हूँ अनुपात का एक भिन्न संख्या अनुपात याद करें। करेंगे देखो। इन को मैं सकता हूं ए अनुपात बी है बी के नीचे बी अनुपात सी लिख दिया मैंने ठीक है इस तरीके से अपने कर लेंगे अगर एक संख्या और होती सी अनुपात डी होती तो सी के नीचे सी और डी देते फिर इनका आपसे मल्टीप्लाई करके इनका अनुपात याद कर लेते देखो किस प्रकार करेंगे ये दो अनुपात तीन है ये अनुपात सात है दो को छ से गुणा करो दूनी बारह तीन को छह से करो अठारह और तीन को सात से करो इक्कीस ये आ गया अब संख्या कट रही है देखो आठ दो तीन से कट रही है ना ये करता है कि चार यह बारह छह अठारह ठीक है सात इक्कीस चार छ और सात आ जाएगा चार छ और सात ये आपका आंसर हो जाएगा चार छह और सात जब ये अनुपात इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार लिख लेना ए अनुपात बी बी के नीचे बी बी अनुपात सी इस प्रकार संख्या लिख लो दो अनुपात तीन है तीन के नीचे बी वाली संख्या छह अनुपात सात है दो को छह से गुणा किया छह दूनी बारह तीन को छह से किया छह थी अठारह फिर इस तीन को सात से आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो इक्कीस आ जाएगा ठीक है इस प्रकार अपने विस्तार पूर्वक से जब करेंगे आगे नेक्स्ट में मैथ को तब अपने काफी क्वेश्चन करेंगे अभी तक तो, तो के लिए जो आपके मोस्ट बन रहे रहे हैं हैं वो अपन कर ठीक है जल्दी से टाइम ही नहीं है देखो इसमें एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पांच अनुपात सात है यदि विद्यालय में कुल आपको दे रखे हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी इस प्रकार का भी प्रश्न एक मंत्र है आपके आ सकता है एग्जाम में देखो पाँच अनुपात सात में है इसका मतलब क्या है अनुपात को उठाते पाँच एक्स आ जाएगा सात एक्स लगा लो ठीक है अपनी तरफ से एक चर पद लगाते हैं यहां से ठीक है पांच एक अब अपन मान लेते हैं कि लड़के कितने है? पाँच एक्स है लड़कियां सात एक्स है इनका टोटल कितना हो जाएगा बारह एक्स अपनी तरफ से क्या हो गई बारह एक्स हो गए परंतु तो ये क्या कह रहा है कि ये तो ये तो कह रहा है चार सौ अस्सी है इसका मतलब क्या हो रहा है अपन दोनों को बराबर कर देंगे बारह एक्स बराबर चार सौ अस्सी यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी चार सौ अस्सी बटा बारह बारह चौक अड़तालीस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई चालीस आ गई अब याद किसको करना है लड़कों की याद करना लड़की कितनी है पाँच एक्स है पाँच एक्स है एक्स की वैल्यू कितनी है चालीस है तो मल्टीप्लाई कर दो पाँच चौके बीस दो सौ अगर लड़कियों की पूछा तो सात है सात एक्स है सात इंटू चालीस कर दो यहाँ से सात अट्ठाईस हो जाएगा दोनों को जोड़ो चार सौ अस्सी बराबर आ रहा है ना लड़कियां दो सौ अस्सी है लड़के कितने दो सौ है लड़के पूछ रखे हैं तो लड़के कितने हैं दो सौ है वही है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो ठीक है मैथ आसान हो जाती है देखो एक इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है तीन संख्याएं दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में है और उनका योग चौपन है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो देखो इसमें क्या है दो अनुपात तीन अनुपात चार है अनुपात को उठा लो यहाँ पर दो एक्स आ जाएगा तीन एक्स आ जाएगा और यहाँ पर चार एक्स आ जाएगा उनका योग दे रखा तीनों का तीनों का योग कर दो भाई दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस चार एक्स योग अपनी तरफ तो ये आ रहा है योग परंतु तो यह क्या कह रहा है ये कह रहा है कि है लिख दो भाई चौपन बराबर तीन दो पाँच पाँच चार नौ नौ एक्स हो जाएंगे बराबर चौपन हो गया एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा नौ छिक चौपन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई क्या आ गई पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो बड़ी संख्या एक्स की वैल्यू रख देख रख लो यहाँ पर दो एक्स दो एक्स से करेंगे छह दौन बारह हो जाएंगे तीन एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा छह अठारह और चार छह छ चौबीस सबसे बड़ी संख्या कौन सी चौबीस हो गई चौबीस तो तो आ रहा है ना ये सबसे बड़ी संख्या हो गई ठीक है यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली और अनुपात से जिस दो एक्स माना था तीन एक्स माना था चार एक्स माना था उसे मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सी बड़ी संख्या आएगी देखो इसमें नेक्स्ट देखो एक इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बनता है क्या है तीन संख्याएं हैं पांच अनुपात छह अनुपात सात के अनुपात में है यदि सबसे छोटी संख्या आपको दे रखी है तो अन्य दो संख्याएं क्या होगी ये याद करो या यहाँ पर इस प्रकार दे दे छोटी संख्या ये तीन संख्या का योग याद करो प्रकार भी बन सकता है या आपको दे दे छोटी संख्या ये है तो अन्य दो संख्याओं का योग ज्ञात करो अन्य दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो प्रश्न देखो एक प्रश्न से ढेरों प्रश्न बन जाएंगे परंतु तो आपका जो क्या आना चाहिए जो बेसिक चीज है वो आपको आनी चाहिए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे देखो इसमें क्या है देखो पांच अनुपात छ अनुपात सात है अनुपात को हटा दो यहां से पाँच एक्स छत एक्स ठीक है अब देखो x x तो कॉमन ही है सभी में यहाँ से पता कर लो छोटी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है पाँच एक्स है अपनी तरफ से कह रहे हैं तो पाँच एक्स है परंतु तो क्वेश्चन क्या करे है? तीस एक्स है तो इसका मतलब ये हो गया पाँच एक्स बराबर दोनों को निराश नहीं करेंगे कह देंगे कि भाई तू भी सही है और मैं भी सही हूँ पाँच एक्स बराबर मैंने क्या कर दिया तीस कर दिया यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाँच छः तीस एक्स की वैल्यू छः आ गई तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो छः पाँच या तीस हो जाएगा छः छः छत्तीस और छः छत बयालीस हो जाएगा पूछ क्या रहा है अन्य दो संख्या कौन कौन सी है छत्तीस और बयालीस छत्तीस और बयालीस अन्य संख्या हो गई अगर यहाँ पर यह पूछा होता अन्य दो संख्या क्या है उनका योग याद करो उनका जोड़ देते अगर ये पूछा होता अन्य दो संख्याएं हैं तो अंतर याद करो तो इनको आपस में घटा देते तो अंतर आ जाता ठीक है इस प्रकार के अपने प्रश्न करने हैं आपको ठीक है इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं ये वो भी प्रश्न है जो किसने न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ठीक है इस प्रकार भी आते रहते हैं एग्जाम में नेक्स्ट देखो प्रश्न हालांकि ये आयु से संबंधित अनुपात समान पात में भी बनते हैं ठीक है पोस्ट वाले भी आ जाते हैं ये एक दूसरे जाते हैं मेन जो अर्थमेटिक का जो है मूल तंत्र क्या परसेंटेज है जिसको परसेंटेज अच्छी तरह से आ रहे हैं ना वो पूरी अर्थमेटिक कर लेगा आसानी से परसेंटेज को आप अच्छी तरह से पकड़ लो पूरी अर्थमेटिक हो जाएगी ठीक है देखो इसमें चार वर्ष पूर्व P और Q की आयु का अनुपात पांच अनुपात छह था यदि उनकी वर्तमान आयु का योग बावन वर्ष दे रखा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात याद करो देखो ये क्या कह रहा है कि चार वर्ष अपन लिख देते हैं चार वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना है पांच अनुपात छ है पी और क्यू का ठीक तो है इसको माने तो पांच एक्स इसको माने तो मैं छह एक्स मैंने इनको मान लिया ठीक है पांच पर, चार वर्ष पूरा हो तो अब कितनी आयु वर्तमान में आयु कितनी इनकी वर्तमान में आयु वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी पांच एक्स प्लस चार हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस से चार हो जाएगी क्योंकि चार वर्ष पूर्व है अपने को वर्तमान में निकालनी है ठीक है देखो इसमें ये होगी परंतु ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इनका योग तो वर्तमान में वर्तमान में आयु का योग बावन वर्ष है मैंने कह दिया कि पी की वर्तमान में पाँच एक्सप्ल चार है और क्योंकि छ एक्सप्ल से चार है ठीक है इनका योग करके देख लो यहाँ से कर लो कर लो ये योग कर लो दोनों का योग पांच एक्स प्लस चार प्लस छः एक्स प्लस चार योग कितना कह रहा है बावन आ रहा है पांच एक्स और छः एक्स ग्यारह एक्स हो गए प्लस चार आठ बावन हो गए यहाँ से एक्स ग्यारह एक्स बराबर बावन में से आठ घटा दो कितना बचेगा चवालीस तो एक्स की वैल्यू कितना ग्यारह सौ चौवालीस एक्स कितने आ गए आ गई तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा वर्तमान आयु का योग ये है ना वर्तमान आयु चार को देखो, कर देख करके देख लो यहाँ से पाँचों के बीस बात याद करना देखो अलग अलग हो जाएगा चार है पाँच के बीस बीस और चार चौस इसकी चोइस आ गई छः के चौबीस चार अट्ठाईस आ गई इनकी चोइस आ गई इनकी अट्ठाईस आ गई अनुपात कितना हो जाएगा कितने से कट जाएगी चार से कट रहा है ना छः चौक चौबीस हो जाएगा और सात सौ अट्ठाई सौ छः अनुपात सात आ जाएगा इसका ठीक है इस प्रकार अपने को प्रश्न करने हैं इनको चलिए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको है एक गौशाला में इस प्रकार का भी प्रश्न आपके ये बनता है ठीक है इस प्रकार आपको करना पड़ सकता है अगर परसू परिचरा आप बन रहे हो इस प्रकार का प्रश्न देखे क्या है इसमें बहुत मजेदार प्रश्न ये एक गौशाला में सौ गायों के लिए दो सौ दिनों का चारा था बीस दिन बाद बीस पचास गायों को दूसरी गौशाला में भेज दिया गया अब यह चारा कितने दिनों के लिए होगा ठीक है बहुत ही मस्त बढ़िया क्वेश्चन है ये आ, आपके इसी प्रकार क्योंकि आपको गणना करने के लिए कहा जा सकता है अभी देखो चारा कम रहा है तो इतने दिन के लिए चलाने के लिए कितनी गायों को बाहर भेजना पड़ेगा दूसरी गौशाला में इस प्रकार की प्रश्न बन सकते हैं आपके देखो जो ये बना है इसको किस प्रकार करेंगे अपने सौ गायों के लिए दो सौ दिनों का था अगर सौ गाय मौजूद है तो दो सौ दिनों तक वो चारा खा सकती है बीस दिन बाद भेजा जा रहा है ठीक है पहले अपने क्या करते हैं सौ तो गाय हैं गाय कितनी हैं सौ चारा कितना प्राप्त है दो सौ टोटल इनकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से इस चारे की वैल्यू क्या करते हैं दो सौ इंटू सौ ठीक है बीस हजार ये पर्सन सैनिकों के लिए भी आ सकते हैं गायों के लिए भी आ सकता है अन्य मजदूरों के लिए आ सकते हैं। भी आ सकता है केवल यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी ठीक है संख्या वगैरह इसी प्रकार की रहेगी करना इसी प्रकार होगा आपको सौ तो गाय हैं दो सौ दिन तक चारा खा सकती है उनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी आपके पास बीस हजार होगी अब क्या कह रहा है बीस दिन बाद पचास गायों को दूसरी गोशा ले जा रहा है यानी इसका मतलब तो क्या है कि सौ गायों ने सौ गायें हैं उन्होंने बीस दिन का तो चारा खा लिया अब बीस दिन तक चारा कितना खा लिया सौ तो इंटू बीस कितना लिया दो, दो हजार दो हजार वैल्यू का लिया खा, तो शेष कितना बचा बचा अठारह हजार वैल्यू का यहाँ पर चारा बच चुका है परंतु अपने पास अब गाय कितनी रह गई है पचास गाय रह गई है पचास गायों के लिए अठारह हजार का ठीक है चारा पड़ा है ठीक है एक जो ज्यादा लगी आप तो पचास गायों के लिए पर्याप्त तो पचास गायों के लिए तो शेष गायें बची है पचास गायों के लिए कितने दिन तक तो चलेगा तो क्या करेंगे अट्ठारह में पचास का भाग लगा दो यहाँ से कितना बचेगा देखो पाँच पंद्रह छह पाँच तीस साठ पचास गाय हैं उनके लिए पूरा साल का चल जाएगा पूरा साल का इसी प्रकार आपको प्रश्न करने हैं एक, एक प्रश्न सैनिकों के लिए भी दे सकता है ठीक है कि एक सैनिक बटालियन में सौ सैनिक थे उनके लिए दो दिनों का खाना था बीस दिन बाद पचास सैनिक दूसरे गेम में चले गए अब उनके लिए चारा आ, वो खा खाना कितने दिनों के लिए चलेगा इस प्रकार के प्रश्न जो बनेंगे आपको इस प्रकार करने हैं एक बार दोबारा देख लो बीस गायों के लिए दो सौ दिनों का चारा था तो उनकी टोटल वैल्यू मैंने निकाली दो सौ इंटू सौ करके बीस हज़ार ठीक है मूल्य टोटल निकाल लिया अब सौ गायें हैं

एक रुपए पचास पैसे पच्चीस पैसे और तीन तीन सौ अठहत्तर सिक्कों के मूल्य का अनुपात तेरह अनुपात ग्यारह अनुपात सात है तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करेंगे पहले अपने लिख देते हैं कि एक रुपये का सिक्का है पचास पैसे के सिक्के हैं पच्चीस पैसे के सिक्के हैं इनकी इकाई बराबर कर लो यहां से दो पैसे पचास पैसे और पच्चीस पैसे अब मूल्यों का अनुपात दे रखा यानी कि इतने इतनी मूल्य के हैं कितने कितने मूल्य है तेरह अनुपात ग्यारह अनुपात सात के यानी कि ये लिख सता हूँ तेरह एक्स ग्यारह एक्स और सात एक्स लिखता हूँ लिख सकता हूँ इसका मतलब क्या ये तेरा है, है ये तेरह एक्स मूल्य के सौ पैसे के सिक्के हैं या एक रुपये के सिक्के हैं ये ग्यारह एक्स के हो गए और ये हो गए सात एक्स हो गए पच्चीस पैसे के अब आपको क्या है इनका टोटल मूल्य आपको दे रखा है प्रत्येक अलग अलग है इनकी एक की वैल्यू दे रखी है आपको सौ पैसे पचास पैसे और पच्चीस पैसे अब आपको ये कह दिया जाए कि प्रत्येक सिक्के की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे जो तो टोटल वैल्यू है उसके अंदर प्रत्येक सिक्के का मूल्य में का भाग लगाते हैं तो अपने पास उस प्रकार के सिक्कों की संख्या निकल के आ जाती है तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी तेरह एक्स बटा सो प्लस में पचास पैसों की ग्यारह एक्स बटा पचास प्लस पच्चीस की कितनी हो जाएगी सात एक्स बटा पच्चीस सौ टोटली ये कितना कह रहा है तीन सौ अठहत्तर है भाई साहब अब इनका अल्सम कर लो यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपके पास तेरह एक्स क्या आ जाएगा बाईस एक्स ये आ जाएगा सात सौ का अट्ठाईस एक्स आ जाएगा इन टू तीन दो तो अठत्तर हो गया ठीक है अब इसको थोड़ा मिटो रहा हूँ यहाँ से मैं यहाँ से इधर करूँगा ठीक है देखो इसमें इनको कर दो इनको जोड़ दो तेरह एक्स बाईस एक्स अठाईस अट्ठाईस और बाईस कितना पचास ट्रेस्ट होगी ना ये हो गया आपके पास है त्रेस्ट एक्स इक्वल इस सौ को इधर लेके आऊँगा तो भाग में है तो गुना में हो जाएगा ना ये तीन सौ इंटू कितना हो जाएगा सौ यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू निकाल लेती है तीन सौ अठहत्तर इंटू सौ में कितना हो जाएगा त्रेस्ट हो जाएगा इसको देखो कहाँ से कट रहा है आठ सर पंद्रह और तीन अठारह नौ से कट जाएगा नौ सात तिरसठ नौ चौक छत्तीस है नौ दोनों अठारह सात के बयालीस एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी छह सौ आ गई छः सौ पैसी आ गए एक्स की वैल्यू क्योंकि अपने पास है इनको पैसे में कन्वर्ट किया था ना इसके मतलब क्या एक्स की वैल्यू छः सौ पैसे है अब पूछ क्या रहा है पचास पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है पचास पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है सात एक्स है सात एक्स का मतलब क्या है सात सिक्के पचास पैसे के ग्यारह ग्यारह की है ठीक है ग्यारह सिक्के कितने होंगे ग्यारह इंटू छो करेंगे कितना हो जाएंगे छासठ सौ पैसे यानी कि छासठ रुपए छासठ रुपए का तो आपको ये पता चल गया कि छासठ रुपये की कि कितने हैं पचास पैसे के सिक्के हैं पचास पचास सिक्केगे सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है छासठ रुपये हैं तो सिक्कों की संख्या कितनी होती है एक सिक्के में पचास पैसे कितने सिक्के होंगे दो होंगे तो छासठ रुपये में कितने हो जाएंगे छासठ दुणा एक सौ बत्तीस हो जाएगा कितना हो जाएगा एक सौ बत्तीस हो जाएगा इस प्रकार करेंगे ठीक है नेक्स्ट देखो स्कूटर और मोपेड के मूल्यों में सात अनुपात चार का अनुपात है यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से छत्तीस रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है अनुपात याद कर रखा है देखो भाई साहब कैसे करेंगे इसको स्कूटर अनुपात मोपेड सात अनुपात अनुपात को हटाया सात एक्स इंटू अब ये क्या रहा है कि स्कूटर का जो मूल्य है एक अपने तो कह रहे हैं है। परंतु तो क्वेश्चन क्या कह रहा है छत्तीस है? तो दोनों को बराबर कर दो यहां से तीन एक्स बराबर छत्तीस यहां से कितना आ जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी बारह तीय छत्तीस सौ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बारह सौ आ गई पूछ क्या रहा है तो अधिक तुम तो मोपेड का मूल्य याद करो तो मोपेड का मूल्य कितना मोपेड का मूल्य कितना है चार एक्स मूल्य है मोपेड का इसका मतलब क्या मोपेड का मूल्य कितना हो जाएगा चार इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बारह सौ है बारह चौकू अड़तालीस सौ कितनी हो जाएगी दोस्तों अड़तालीस सौ रुपये हो जाएगी इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं देखो इसको नेक्स्ट देखो दूध और पानी के बयालीस लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे है आपको पांच अनुपात दो है यदि इस मिश्रण में तीन लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे देखो टोटल बयालीस लीटर है इसमें अपने ज्ञात कर लेंगे पहले दूध कितने है? और पानी कितने हैं कुल कितना है अपने पास कुल दे रखा है बयालीस लीटर परंतु अनुपात में कितना है पांच अनुपात दो है अनुपात को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा ये पांच एक्स आ जाएगा ये कितना आ जाएगा दो एक्स आ जाएगा ये कह रहा एक, है बयालीस लीटर पर है परंतु अपने क्या कह रहे हैं पांच और दो तो सात एक्स लीटर है मतलब क्या है सात एक्स बराबर बयालीस हो जाएगा एक्स की कितनी आ जाएगी सात की बयालीस छह आ गए इसका मतलब यह हुआ छह तीस, तीस लीटर तो दूध है और बारह लीटर क्या है बारह लीटर पानी हो गया तीस बारह जोड़ो बयालीस आ रहा है ना तीस लीटर दूध है और बारह लीटर क्या है यहाँ पर पानी है अब क्या कह रहा क्या है ये देखो क्या कह रहा है तीन लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्र में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा पानी मिला रहे हैं बार लीटर था उसमें तीन और, और कर दो पंद्रह हो गया अब कितना हो गया दूध कितना हो गया दूध तीस हो गया अनुपात पंद्रह पानी हो गया क्योंकि तो दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है यहाँ से देखो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए इस चीज को याद रखना आप यहाँ से पलट सकते हैं फंसाने के लिए यहाँ पर यह कह देता कि पानी व दूध का अनुपात याद करो ये भी कह सकता है यहाँ से पॉजिट कर सकता है यहाँ से ठीक है क्योंकि जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि वो बालक सही करे ये चाहता है कि 150 में से वो सो ही सही करे 50 तो गलत कर दे ठीक है 50 आज तक हुआ नहीं है एग्जाम में कि 150 से में से एक सही कर दे क्योंकि एग्जामिनर को गलत भी कराने हैं क्वेश्चन तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां छोड़ देता है वो और तो अपने को क्या देखा है दूध और पानी का मीशन दे रखा है दूध अपने पास तीस लीटर आ गया पानी अपने पास बारह लीटर था तीन लीटर और मिला दिया दूध पानी तो पंद्रह कितना हो जाएगा पंद्रह तो दो अनुपात एक हो जाएगा दो अनुपात एक अगर ये पूछा होता पानी में दूध का अनुपात तो एक अनुपात कितना हो जाता एक अनुपात दो हो जाता ठीक है देखो इसमें नेक्स्ट देखो एक परिवार में सात सदस्य है यदि सभी सभी की औस्त उम्र है जो तीस वर्ष है यदि दादा व दादी का औस्त उम्र पिचपन वर्ष व पिता व माता का औस्त ठीक है यहाँ पर उम्र पैंतीस वर्ष है तो शेष तीन बच्चों का औस्त उम्र याद करो टोटल सात सदस्य आपके पास सात की औस्त उम्र कितनी है तीस है तो इनकी टोटल कितना हो जाएगा सात इंटू तीस दो सौ दस होगी दादा व दादी दादा प्लस दादी उनकी औस्त उम्र दे रखी पिचपन है पिचपन वर्ष है दो से दस टोटल कितनी होगी पिचपन इंटू दो कितना होगी एक सौ दस होगी इनकी फिर माता प्लस पिता इनकी पैंतीस वर्ष है औस्त है इनकी टोटल कितनी होगी पैंतीस इंटू दो सत्तर हो गई अब दादा व वा दादी वाली और माता व वा पिता वाली दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ देते हैं जो कितनी आ जाती है एक सौ अस्सी आ गई अपने पास अब एक सौ अस्सी ये इनकी आ गई और टोटल सात सदस्यों कितनी है दो सदस्य है तो पीछे कितने रह गए तीन सदस्य रह गए ना तीन सदस्य रह जाएंगे दो सौ दस में से मैं घटा देता हूँ एक सौ अस्सी कितने बचेंगे जीरो तीन तीन बचेंगे तीस बचेंगे इसका मतलब क्या है तीस वर्ष जो आयु बच रही है वो क्या है बचे हुए तीन सदस्य होगी अब तीन सदस्य होंगे तो प्रत्येक की कितनी आ जाएगी तीस में क्या करेंगे तीन का भाग लगा दो यहां से दस वर्ष आ जाएगी ठीक है प्रत्येक की कितनी होगी दस वर्ष हो गया यार है ना दस वर्ष आ गया ठीक है दस वर्ष इस प्रकार अपने क्वेश्चनों को कर देंगे आसानी से चलिए नेक्स्ट देखो इसमें पचहत्तर व्यक्तियों को एक समूह का औसत दे रखा है अट्ठाइस वर्ष है यदि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद समूह का पर जीरो पॉइंट से घट जाता है तो मरने वाले व्यक्ति की उम्र क्या थी इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को पचहत्तर की है अट्ठाईस ठीक है पचहत्तर है उनकी औस्त कितनी है अट्ठाईस है तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी पचहत्तर जाएगी इनका मल्टीप्लाई हो गया और एक मरने के के बाद बाद कितना बच बच के? की। बाद बच की होने कितनी कर दो इनको आपस में घटा दो तो इनका कितना आ जाएगी उम्र आ जाएगी परंतु एक तरीका और भी है करने का देखो पचहत्तर तो की कितनी है अट्ठाईस है एक मर गया लुटक गया एक तो पचहत्तरवा था वो मर गया तो अट्ठाईस में से अट्ठाईस तो ये ले गया अट्ठाईस उम्र तो वो ये ले जाएगा अब बचे चुहत्तर चौहत्तर की सताईस पॉइंट पाँच हो गई यानी कि पॉइंट पाँच पाँच इनमें से ले गया चौहत्तर की पहले कितने आ रही थी अट्ठाईस अट्ठाइस आ रही थी ना अब पॉइंट पाँच पाँच इनमें से ले गया तो पॉइंट पाँच इंटू चौहत्तर करते हैं तो इसका आधा हो जाए सैंतीस हो गया इससे मतलब क्या सैंतीस को और कर दो आठ सात कितने हो गए पंद्रह तीन दो पाँच छः वो आदमी कितना है था पैंसठ वर्ष का था डायरेक्ट करने तो इस प्रकार करने किस प्रकार किया इसको क्योंकि पहले टोटल कितने थे पचहत्तर तो थे उनकी कितनी आ रही थी अट्ठाईस आ रही थी उनमें से वो मरने वाला व्यक्ति इसमें शामिल था अट्ठाईस इसमें भी शामिल था परंतु मरने के बाद वो तो यहाँ से तो गया उड़ तो गया बचे चौहत्तर चौहत्तर की कितनी होगी सत्ताईस पॉइंट पाँच होगी इसका मतलब कि अट्ठाईस उम्र तो आप अपनी उम्र तो वो इसमें से अट्ठाईस ये ले गया और चुहत्तर जो बच्चे थे उनकी भी पॉइंट पांच पांच कम करके चला गया इसका मतलब क्या है कितनी कम हो गई टोटल पॉइंट पांच को चौहत्तर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ आ आ जाएगा का आधा कितना हो गया 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 तो तो को जोड़ दिया तो पेंस्ट अपने पास आ गया। इसका मतलब क्या है मरने वाले की कितनी थी पैंस्ट वर्ष का था ठीक है पैंस्ट वर्ष का डोगरा था तो वो लुट गया ठीक है देखो इसमें नेक्स्ट देखो पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है अगले पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औस्त क्या होगा इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में कैसे करोगे आप औषत क्या होता है औस्त होता है कि मिड वैल्यू कोई भी औस्त निकालते हैं दस संख्याओं का पांच संख्याओं का बीस संख्या जितनी भी संख्या दे रखे औस्त है, निकालते हैं उसका एक मिड वैल्यू आती है बीच का वैल्यू आती है ठीक है अब अपने पास औस्त दे रखा है बीच की वैल्यू दे रखी है अपने को देखो आश लिख रहा हूँ मैं बीच की वैल्यू दे रखी अपने पास पच्चीस है विषम संख्या है इसका मतलब कि पांच टोटल है पहली तो ये होगी संख्या एक मान तो एक संख्या ये होगी इधर दो है और इधर भी दो है बीच के ना इधर कौन से दो देखो यहाँ से पहले एक सौ तेईस हो जाएगी एक इक्कीस हो जाएगी इधर कौन सा हो जाएगी सत्ताईस हो जाएगी एक उन्तीस हो जाएगी ये हो गया ना अब उसके बाद कह रहा है कि बाद वाली देखो संख्या कौन कौन सी आ जाएगी विषम संख्या देख लो यहाँ से उनतीस तीस नहीं होती इकतीस हो गया तैतीस होती है फिर पैंतीस होती है पैंतीस होती है और उनचालीस होती है इसके बाद पांच संख्या कौन सी होती है लगातार ये पांच संख्याएं हैं विषम संख्या तो इनका कॉस्ट कितना हो जाएगा बी डी वैल्यू हो जाएगी बस पैंतीस तो इसका क्या आ जाएगा पैंतीस आ जाएगा प्रकार करने हैं आपको ठीक है अगर सम संख्या दे रखी है तो सम सम देख लो विषम दे रखी है तो विषम सम अपन निकाल लेते हैं संख्या को फिर उनमें से देख लेंगे कौन सी संख्या होगी ठीक है इस प्रकार इनको करेंगे देखो इसमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य पांच सौ है तो इसे छह सौ में बेचा जाता है तो लाभ और हानि कैसे ज्ञात करेंगे लाभ और हानि के लिए आपको क्या याद करना होगा लाभ देखो लाभ इसका एक याद करना होगा क्रय मूल्य क्या होता है याद रखना विक्रय मूल्य है ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है लाभ किस कंडीशन में होता है और हानि जो होगी किस कंडीशन में होगी एक लाभ प्रतिशत होता है कब निकालते हैं एक हानि परसेंटेज है ठीक है कब निकालते हैं यह देखना होगा देखो इसमें क्रय मूल्य क्या होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी अपन लिखेंगे और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एसपी हो गया ठीक है और लाभ कब होगा लाभ किस कंडीशन में होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा लाभ हो जाएगा और हानि कब होगी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगी तो हानि होती है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं लाभ और एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार भी प्रश्न कई बार बन जाता है कि लाभ और हानि परसेंट किस पर निर्भर करेगी क्रय मूल्य पर निर्भर करती है देखना ठीक है लाभ प्रतिशत किस प्रकार निकाल निकालते हैं लाभ परसेंट याद करने के लिए लाभ बटा याद रखना लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू करते हैं इसी प्रकार हानि निकालने के लिए क्या करेंगे हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो हानि दे है हानि बटा क्रय मूल्य तो क्या कर देंगे तो, कर देंगे. तो अपने पास हानी आ ये थोड़ा याद रखना अपने पास था क्रय मूल्य पांच सौ है बेचा जा रहा है छह सौ में तो लाभ हानि याद लाभ याद करो हो तो जाएगा देखो सीपी अपने पास पांच सौ है एसपी है छः है तो जाहिर सी बात देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा आ रहा तो लाभ कितना आ गया सौ रुपये आ गया सौ रुपये लाभ आ गया अब ये पूछा होता कि लाभ प्रतिशत याद करो तो क्या करते लाभ बटा क्रय मूल्य पाँच सौ है इंटू सौ कर दो यहाँ से दो जीरो से दो पाँच चौक पाँच उन्नीस दस यानी कि बीस परसेंट कितना आ जाता लाभ प्रतिशत आ जाता ठीक है इस प्रकार आप करेंगे देखो इसमें नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है अठारह संतरों का क्रय मूल्य और चौबीस संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो कितनी हानि हुई ठीक है इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे देखो अठारह सीपी सीपी का मतलब क्या क्रय मूल्य पॉस्ट प्राइस कितना है और चौबीस एसपी ठीक है सेलिंग प्राइस कितने हैं तो सी पी बटा एस बराबर कितना कर देंगे चौबीस बटा अठारह छः चौको चौबीस और छः थी अठारह देखो इसका मतलब क्या है उसका सी पी यानी कि क्रय मूल्य कितना है चार है विक्रय मूल्य तीन है तो हानि कितनी हो रही है एक की हानि हो रही है तो हानि परसेंट कैसे याद करूँगा एक बटा क्रय मूल्य कि कितना है चार है चार इंटू कर दो पच्चीस का 100 तो 25 परसेंट की कितनी होगी हानि होगी क्या होगी 25 परसेंट की हानि होगी ठीक है इस प्रकार अपने करेंगे देखो इसमें यदि चावल को चौपन तो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10 परसेंट की हानि होगी तो यदि 20 परसेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किलोग्राम की कीमत से बेचना होगा देखो इसमें कितने में बेचा जा रहा है अस्सी कितने सेलिंग प्राइस अपने पास है चौपन पे के कब है जब दस परसेंट की क्या रही है हानि हो रही है दस परसेंट की यानी हानि हो रही है हानि होने का मतलब क्या हुआ दस परसेंट की हानि होगी तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी नब्बे परसेंट वैल्यू रहेगी कितनी परसेंट नब्बे वैल्यू रहेगी इसकी इसका मतलब क्या हो गया नब्बे परसेंट की वैल्यू कितनी है चौपन है अपने को प्राप्त कितना कितना करना है बीस परसेंट का लाभ चाहिए क्योंकि शुरू में जो क्रय मूल्य था उसकी वैल्यू अपने आप में कितनी है दो परसेंट है उस पर लाभ चाहिए ठीक है तो कितना हो जाएगा एक सौ बीस हो जाएगा ना उसका तो डायरेक्ट अपने इस प्रकार कर देंगे कि नब्बे परसेंट की वैल्यू पास मेरे पास चौपन है तो मुझे चाहिए बीस का लाभ यानी कि एक की, की वैल्यू चाहिए तो इसको हल कर दो यहाँ से जीरो से जीरो नौ छिक चौपन बारह कितना गया बेहतर आ गया यहाँ से तो बेहतर मूल्य में उसको तो क्या करना होगा बेचना होगा ठीक है इस प्रकार अपने इनको कर लेंगे नेक्स्ट देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तु छत्तीस रुपये में बेची और बीस परसेंट का लाभ पाया यदि उसने उसी वस्तु का इकतीस सौ पचास में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता देखो इसमें छत्तीस रुपये की क्या है वस्तु है प्रॉफिट कितना कर रहा है उस पर बीस परसेंट का लाभ कर रहे प्रॉफिट करने का मतलब यह हो गया उस वस्तु को एक सौ बीस परसेंट पर बेच रहा है वो उस वस्तु की वैल्यू अपने आप में पहले कितनी थी सौ परसेंट थी अपने आप में ठीक है अपने आप में कितनी थी सौ परसेंट थी तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी एक सौ बीस परसेंट होगी हो कितनी रही है छत्तीस हो, हो 3600। अब ये कह रहा है कि अगर इकतीस सौ पचास में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता तो यहां से अपने इसका क्रय मूल्य याद कर लेंगे यानी कि 120 परसेंट की वैल्यू कितनी है छत्तीस है तो 100 परसेंट की वैल्यू 100 परसेंट क्या होता है शुरू में जो वैल्यू निकली आती है क्रय मूल्य वो तो अपने पास आ जाएगा गाड़ दो देखो बारह है छत्तीस तीस आ गया ये आ गया तीन, तीन हजार तीन हजार रुपये अपने पास क्या आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया ठीक है यानी कि सीपी आ गया क्रय मूल्य तो आगे छत्तीस तीन आ गया अब कह रहा है कि उस वस्तु तो को इकतीस में बेचे जाता है तो उसको कितना लाभ परसेंट हो गया अस्सी कितना करना है इकतीस सौ पचास रुपये में करना है कितना होगा देखो एक सौ पचास बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा लाभ एक सौ पचास मूल्य तीन हजार इंटू सौ कर दो यहाँ से दो जीरो से दो एक पाँच ती पंद्रह तो कितना आ जाएगा पाँच प्रतिशत का कितना जाएगा? हो जाएगा लाभ हो जाएगा पाँच परसेंट का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा नेक्स्ट देखो नौ हजार छह सौ रुपये प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा बेचा जा गया यदि घोड़े पर बीस परसेंट लाभ तथा गाय पर बीस परसेंट की हानि हुई तो पूरे सौदे में कितनी हानि हुई इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए कोई भी बेच रहा है घट रहा है अगर प्रत्येक की दे रखे यहाँ देख ना प्रत्येक दर दे रखो समान लाभ परसेंट दे रखो समान लाभ या हानि दे रखी हो जितना लाभ परसेंट हो रहा है उतनी हानि प्रतिशत हो रही है तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे बीस बटा दस पावर दो कॉल कर दो क्योंकि तो इस, इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा उसमें हमेशा क्या होगी हानि होगी यहाँ रखना इसको हल कर दो 400 बटा तो, दो कर दो यहाँ से चार परसेंट चार परसेंट की क्या होगी हानि होगी हमेशा हानि ही होती है याद रखना चार परसेंट की क्या होगी हानि देखो एक फल विक्रेता एक रुपये में दो के हिसाब से नींबू खरीदता है और तीन में पाँच के हिसाब से उन्हें बेचता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आ जाए दो रुपये में चार बेचो तीन रुपये में पाँच बेचो भी दो चाहे एक रुपये में दो या तीन रुपये में दो जो भी हो इस, इस प्रकार का जो भी कितनी भी लैंग्वेज में इस प्रकार का प्रश्न दे रखा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है एक दो तीन और पाँच का अल्शियम याद कर लो अल्सियम कितना आ जाएगा इनका इनका अल्शियम याद करोगे आपके पास आ जाएगा तीस आ जाएगा अलग अलग है ना पाँच पंद्रह पंद्रह तीस तीस अल्सियम आ गया याद अब अपन मान के चलेंगे कि वो तीस नींबू खरीद रहा है और तीस नींबू ही बेच रहा है ठीक है एक मान रहे हैं नहीं है कि तीस है इनका एक, एक वैल्यू निकाली कि तीस बेच रहा है ठीक है अब देखो तो दो नींबू का मूल्य कितना है एक है तो एक नींबू बकर कितना हो जाएगा एक वटा दो और तीस का कितना हो जाएगा एक बटा दो इंट कितना होगा पंद्रह हो गया इसका मतलब क्या उसने पंद्रह रुपये खर्च किए अब कमाई कितने तीन रुपए में पांच के हिसाब से बेच इसका मतलब क्या हो गया पांच नींबू बेच रहे हैं पांच नींबू पांच नींबू वो कितने बेच रहे हैं तीन रुपये में बेच रहे एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी तीन बट्टा पाँच हो जाएगी तीस नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी तीन बट्टा पाँच कर दो तो यहाँ से पाँच छ तीस अठारह इसका मतलब ये हुआ दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया पंद्रह तो रुपये की खरीद के ले रहा है और अठारह रुपये में बेच रहा है ठीक है इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से कर लेना जो संख्या दे रखी है जितनी भी उनका अल्शियम निकाल लो ओपन वस्तु मान लो उसको भी इतनी वस्तु खरीद रहा है इतनी बेच रहा है उसके हिसाब से इस प्रकार कर लो उसका वैल्यू निकाल लो और तो देखो यहाँ से अब देखो क्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया पंद्रह आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ गया अठारह हो गया अब लाभ हो रहा है ना तीन का तीन बट्टा पंद्रह इंटू सौ कर दो यहाँ से तीन पाँच पंद्रह पाँच गुण दस यानी कि बीस परसेंट का कितना हो गया लाभ हो गया बीस प्रतिशत का लाभ हो गया ठीक है इस प्रकार इनको अपन करेंगे ठीक है ये क्वेश्चन आज के हैं हो गए इतने प्रश्न थे इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने बनेंगे ठीक है जो भी आपका सुपरिचित परीक्षा है इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो और करवा देंगे आपको प्रश्न अगर एक ये वीडियो होगी और पहली वाली वीडियो दोनों वीडियो को देख लेना इस प्रकार के प्रश्न आप कर लेना आपका क्वेश्चन है जो अनुमान है कि दस प्रश्न आने आपके ठीक है दस प्रश्न आपके सही हो जाएंगे तो आज के लिए तो नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है एक नए कोर्स के साथ तो तब तक धन्यवाद दोस्तों